और देश भर के कई राज्यों में तेज बारिश के बाद अब बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि कई जगह पर किसानों की आंखों के सामने उनकी मेहनत बर्बाद हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में कहीं बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं तो कहीं पर लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देश भर के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में राप्ती, गुर्रा और सरयू नदी उफान पर है, जहां देखो दूर दूर तक पानी ही पानी है। इस तरह से चारों तरफ सिर्फ आपको पानी दिखेगा, आप पीछे देख सकते हैं, ये चारों तरफ लबालब पानी दिखा हुआ है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये संपर्क मार्ग जो है बेलडांड रोड जो रामजानकी मार्ग जोड़ता है, वो पूरी तरह कट चुका है और लगभग दर्जनों गांव इससे प्रभावित हो चुके हैं। नाव के सहारे लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। यहाँ बरहज और रुद्रपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहाँ लोग चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं। गाँव की स्थिति सब घर द्वार सबका पानी में है, हम लोग बहुत तबाह हैं। छत पर चार दिन से ये तो है कि सबका मकान में पानी घुस गया है, जो फसल को किस तरह निवास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत मवेशी वालों से है, जो जानवर रखे हैं अपने दूध पिलाने में थोड़ी मिलती, चारों तरफ पानी लग गया। सड़कें पानी में डूब चुकी है, नाव के सहारे लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ लोगों को राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। बरहज तहसील क्षेत्र में और रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में कई गांव प्रभावित हुए हैं। बरहज तहसील में खास तौर से जैसे आप जो परसिया देवार, बिशनपुर देवार और इसी प्रकार से भदला गुल, भदला प्रथम और कपरवार गाँव के आसपास पानी का जलस्तर बढ़ा है। और उन गांवों में हम लोगों ने नावें लगाई सबसे पहले, और उसके बाद आज से राहत सामग्री का वितरण भी प्रारंभ कर दिया गया। यहां बदायूं में अचानक 14 गांवों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहां बारिश से रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से कई लोगों को कई तरह की मुश्किलों का मुकाबला करना पड़ रहा है। तक भी नहीं जा पा रहे हैं लोग, दवाई के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। यहां रोड पर घर में पानी भरिया हुआ है, यहां नीचे रहते हैं पुल के पास में। अरे यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है, ना कोई देखने आता है, ना कोई खबर लेता है। पानी ज्यादा भरा है, पानी ज्यादा भरा है, रात के 1 बजे निकल के आए घर में। लेकिन प्रशासन के मुताबिक हालात गंभीर नहीं है। 14 गांव है जो प्रभावित है, जो है आवागमन प्रभावित हुआ है। जहाँ जहाँ प्रभावित हुआ वहाँ नाव की व्यवस्था कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग के जो है डिप्टी CMO वहाँ जो CSC PSC हैं, सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि मतलब वहाँ पर पहुँच करके उनकी स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएं। मथुरा में भी हालात ऐसे हैं कि फसलें बर्बाद होने लगी है। ऐसे में सर्वे करने के लिए खुद DM निकल पड़े हैं। जनपद में अप्रत्याशित रूप से बारिश हुई, जिसकी वजह से है भारी संख्या में है चकों में जो लगी हुई फसलें थी उनका नुकसान हुआ है। इसको लेके मेरे द्वारा भी और अन्य अधिकारियों द्वारा भी लगातार फील्ड पे जाकर सर्वे करा जा रहा है। हमारे जितने भी लेखपाल हैं उनसे रोज़ रिपोर्ट ली जा रही है। लगभग 80% गाँव में सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आज और कल में ये सर्वे का कार्य हम लोग पूर्ण कर लेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरा प्रशासन दल बल के साथ राहत सामग्री बांट रहा है। बिहार के भागलपुर में भी तेज पानी के बहाव में 5 से ज्यादा घर गंगा में समा गए हैं। यहां लोग अपनी आंखों के सामने ही अपना आशियाना उजड़ता देखने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र में भी जगह जगह बारिश के चलते नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुंबई में खराब मौसम के चलते 8 फ्लाइट के रूट को बदला गया, जबकि पुणे में तेज बारिश के बाद जलभराव के हालात बन गए हैं।
ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।